नमस्कार और आप देख रहे हैं पलटल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभिन्न कर्मचारी संघ हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की। कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी मानते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ते का लाभ हमेशा मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 12,316 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम परिणाम, जिसके लिए पहले से ही लिखित परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार 5 वर्षों के कार्यकाल में 68,560 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा लगभग 5,000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग जिसके द्वारा भरे गए हैं। वहीं इसके विपरीत राज्य में पिछली सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 80,000 और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 8,000 पदों को भरा गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती नीति अपनाई है और इसी के तहत युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने वेतन दुगना लेने से मना करने और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन का वेतन योगदान के रूप में देने के फैसले के लिए नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के लिए आभार व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ने मासिक वेतन नर्सिंग स्टाफ को दुगना करने की घोषणा की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र उन्होंने बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने सरकार को बीमारी से लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है और इसके अलावा नियमित नर्सिंग स्टाफ ने भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन का वेतन देने तथा योगदान के रूप में इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और NHM और पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों तथा बिजली, पब्लिक हेल्थ और अन्य सभी विभागों का आभार व्यक्त किया जो इस संकट की घड़ी में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2,80,000 कर्मचारियों में से 2,00,000 कर्मचारियों ने हरियाणा कोविड राहत कोष में योगदान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शेष कर्मचारियों से भी आगे आने और फंड में योगदान देने की अपील की है। इसके तहत फंड में योगदान करने का विकल्प कर्मचारियों को अगले महीने के लिए भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हर महीने 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये की राशि वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ऋण अदायगी सहित पेंशन के खर्च पर करनी पड़ती है। इसके लिए कर्मचारी संघ को संकट के इस समय में कुछ भत्तों को जारी करने तथा स्थगित करने के सहित अनेक खर्चों को कम करने हेतु आगे आना चाहिए और साथ ही जिस प्रकार का भी हो सके सुझाव भी देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि राज्य सरकार तथा राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 1.93 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और इसके अलावा लगभग 16,000 प्रवासी मजदूरों और बेघर परिवारों को राहत शिविरों में सामग्री भी पहुंचाई गई है तथा अलग अलग तरह से शिविरों की व्यवस्था भी की गई है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री को उनके सुझाव लेने के लिए धन्यवाद भी किया और उनकी ज़रूरत के समय में राज्य सरकार को सभी समर्थन और सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। अब देखें पल पल की विशेष खबरें।